स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज हम बताने जा रहे हैं वो है लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस के बारे में बताएंगे। ये जो एग्जाम होता है यूपी पीएससी द्वारा इलाहाबाद जो आयोग है उससे कराया जाता है। बात करेंगे पहले पेपर की, तो पेपर तीन चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, जो ये लोअर पीसीएस की पोस्ट होती है, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सीनियर शुगर केन इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर एक्साइज कस्टम, तमाम पोस्ट होती हैं। लगभग 4600 पे ग्रेड, 4600 पे ग्रेड, 4200 पे ग्रेड, 2800 पे ग्रेड सारी होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो होता है 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। 150 का जो क्वेश्चन होता है वो 2 घंटे का होता है। जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, 300 मार्क का जो पेपर होता है, अगर 2015 में जो 2015 का जो लोअर पीसीएस का फॉर्म आया हुआ था, 2015 का जो पेपर हुआ था 17 जनवरी 2016 को, उसकी जो जनरल की मेरिट गई थी वो 199 नंबर गई थी। ठीक है, 300 नंबर में कितना, 199 नंबर गई थी। महिला और एसटी की जो मेरिट गई थी, महिला और एससी की जो मेरिट गई थी वो 182 नंबर थी, कितने में से 300। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस पेपर 2 चरणों में होगा, 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में क्या होगा, पहला जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का। ठीक है, दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा, लिखित होगा क्योंकि एसे भी होगा इसी में और वो भी होगा, तो 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीएस प्रीलिम्स के सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं, लोअर पीसीएस के सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारत का इतिहास और भारत राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है नेशनल, सॉरी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई आपकी। अब आप बात करते हैं अगले सिलेबस की, अगला तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब भारत की जो पॉलिटी है उसके बारे में और इंडियन गवर्नेंस की बात करेंगे, मतलब इंडियन गवर्नेंस कैसा, भारतीय प्रशासन, भारतीय राज व्यवस्था एवं भारतीय प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, अगला है चौथा नंबर, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। पांचवा नंबर होगा करेंट अफेयर, इसमें आप दोनों इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करेंगे। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, 6 नंबर पे जनरल साइंस, जनरल साइंस। 7 नंबर पे बात करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बात करेंगे जो क्लास 10th लेवल तक आएगी। 8 नंबर है यूपी। ये हो गया सिलेबस, एक बार सिलेबस आप ध्यान से देख लीजिए और हम बुक बताते चलते हैं कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, जो कि पढ़ना वही बुक है जो पीसीएस के लिए पढ़नी है, लेकिन बताते चलते हैं। इंडियन हिस्ट्री मैंने बताया था यस के पांडे, यस के पांडे पढ़िए, 2005 के पहले की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। ठीक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप 2000 मतलब ये नई जो एनसीईआरटी आई हो उसको पढ़ सकते हैं 9 to 12,
और महेश वड़वाल की बुक, महेश वड़वाल। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़िए आप, लक्ष्मीकांत पढ़िए या बानी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, या तो आप पढ़िए वाणी या घटना चक्र। प्रीवियस ईयर से मिला मिला के पढ़ना है आपको। करंट अफेयर क्रॉनिकल से पढ़िए आप और निर्देशक साइट से पढ़िए, निर्देशक साइट से पढ़िए। जनरल साइंस आपको पढ़ना है लूसेंट, जो लूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है उससे पढ़ना है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो आप आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं। अगर अग्रवाल नहीं पढ़ना चाहते तो घटना चक्र की स्पेशल बुक आती है, वो आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यूपी के लिए आप घटना चक्र पढ़िए। ये बात हो गई प्रीलिम्स की, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। हाँ, यूपी पीसीएस लोअर मेंस की बात करते हैं। मेंस की बात करते हैं, मेंस दो पेपर होता है, दो पेपर, पेपर फर्स्ट जो होता है वो 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है, क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगी और ये भी आएगा। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, रीजनिंग और मैथमेटिक्स और मानसिक योग्यता आएगा। तीसरा आएगा स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, गांधीनियन थॉट्स आएगा, गांधी थॉट्स, गांधी की जिनकी विचारधाराएं आएंगी, ठीक है। यूपी के स्पेशल क्वेश्चन होंगे, यूपी के जो क्वेश्चन आते हैं वो होंगे, स्पेशल क्वेश्चंस होंगे। अगला कम्युनिकेशन स्किल आएगी, कम्युनिकेशन स्किल, इसमें इंटरपर्सनल स्किल भी हो जाएगी, इंटरपर्सनल स्किल भी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और आएगा जनरल साइंस, जनरल साइंस आएगा, उसके बाद जनरल ह्यूमन बिहेवियर, जनरल ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या आएगा, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ आएगा, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गई, स्टैटिकल एनालिसिस हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, उसके बाद जनरल साइंस हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, यूपी हो गई, गांधी जी के विचारधाराएं हो गई, जनरल अवेयरनेस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और जनरल ह्यूमन बिहेवियर हो गया, और करंट अफेयर, ठीक है। इतनी चीजें आएंगी, ये 120 क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगले चलते हैं मेंस दूसरे पेपर की तरफ। दूसरा पेपर जो होगा, सेकेंड पेपर की बात करते हैं। मेंस सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर दो भागों में बटा होगा, 100-100 नंबर का, पहले ही मैंने बताया 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है। 200 नंबर का 3 घंटे, 100 नंबर में दो भाग बटा होगा,
जिसमें पहले मैं सामान्य हिंदी दिया होगा, दूसरे में जो आपको दिया होगा वह है हिंदी में लिखने के लिए निबंध, हिंदी निबंध हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी जिसमें पहला पॉइंट होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आएगा और उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश होगा, रेखांकित किया होगा, उससे संबंधित शीर्षक वगैरह ये सब आएंगे। नंबर दो की बात करते हैं। नंबर दो में शासकीय, अर्धशासकीय, मतलब सारे पत्र आएंगे। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, ये आप पढ़ सकते हैं जो हिंदी है, हरदेव बारी की बुक से पढ़ सकते हैं, पीएन पांडे की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये मतलब शासकीय और शासकीय पत्र की बात करें तो दो बुक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। राजकाल में हिंदी, हरदेव बहारी की बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है संक्षेपण व पत्र लेखन, ये आप पढ़ सकते हैं। दोनों बुक आप ध्यान से देख लीजिए, ये बुक आप ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला 30 नंबर पर चलते हैं, अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची आएगा, तद्भव तत्सम देशी विदेशी शब्द। ठीक है, वर्तनी शुद्धि आएगी, संधि आएगा, संधि हो गया, क्रिया आएगी, हिंदी वर्णमाला से प्रश्न होंगे, शब्द रचना हो गई, मुहावरा, लोकोक्तियां हो गई, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली हो पूछी जाएगी, हिंदी भाषा के अनुप्रयोग पूछे जाएंगे। ये हो गया, अपठित गद्यांश आएगा, शासकीय अशासकीय पत्र आएंगे, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, देशी विदेशी, वर्तनी शुद्धि, संधि, क्रिया, शब्द रचना, मुहावरा, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की बोली और अनुप्रयोग आएगा। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध 100 नंबर का होगा, दो निबंध आपको लिखने होंगे। निबंध 100 नंबर का होगा, दो निबंध लिखने होंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, 100 नंबर होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाना है, अगर अच्छी रैंक पानी है, अच्छे पोस्ट पानी है आपके मन मुताबिक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए, निबंध के लिए आप अभिव्यक्ति, निबंध मंजूषा, ठीक, और पेपर, पर डे डेली पेपर का एडिटोरियल पोर्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल पोर्शन ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि कहां से पॉइंट आता है, कहां से आता है। 6 दिए होंगे, 6 भागों में बटा होता है निबंध। ठीक है, तो 2 खंड होंगे जिसमें एक में 3-3 दिया होगा, आपको एक उसमें से लिखना होगा। पहला है साहित्य संस्कृति, साहित्य संस्कृति है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं क्रियान्वयन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कृषि उद्योग एवं व्यापार, एवं व्यापार, ठीक है, यहां से आएगा। और नंबर 4 होगा विज्ञान एवं पर्यावरण। ठीक है, अगला प्राकृतिक आपदा
एवं उनके निवारण, ठीक है। नंबर पांच है ये, नंबर छह की बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं उनका क्रियान्वयन, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये समस्याएं हैं, समस्याएं, ठीक है, समस्याएं एवं निदान, ठीक है। अब देखते हैं एक बार फिर से, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। निबंध मैंने बताया किससे पढ़ना है, साहित्य और संस्कृत से एक निबंध आएगा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं से एक आएगा क्रियान्वयन, उसका कैसे किया जाए, कृषि उद्योग एवं व्यापार की बात करेंगे, एक आएगा विज्ञान एवं पर्यावरण से, एक आएगा प्राकृतिक आपदा एवं उनके निवारण से, एक आएगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं क्या है एवं उनका निदान कैसे किया जाए, इनके बारे में आएगा। लास्ट होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, इंटरव्यू किसी और दिन अच्छे से करेंगे, पूरा डिटेल बताना होगा। धन्यवाद।